मोबाइल की फोटो से वशीकरण करना एक ऐसा वशीकरण जो करना भी आसान है और दोस्तों जिससे सफलता भी मिलना आपके लिए निश्चित तौर पर सही ही होगा। तो दोस्तों अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं घर बैठे, करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या टोटका सही है क्या गलत है, तो आज इस वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। अगर आप ये टोटका अपना लें तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे और दोस्तों कोई भी इंसान आपके काबू में होगा, आपकी इच्छा तो चलने के लिए राजी हो जाएगा। तो क्या है टोटका, किस प्रकार से करना है? ये टोटका है दोस्तों मोबाइल की फोटो से वशीकरण करना, साथ में फोटो से वशीकरण के दो तरीके टोटके। आप दो कार्य कर सकते हैं, या तो दोस्तों आपके पास उस इंसान की फोटो है अगर तो वशीकरण कर सकते हैं, अगर उनको मोबाइल में फोटो है तो वो भी वशीकरण कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका टोटका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आपको सफलता मिलना निश्चित तौर पर तय है। तो अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं दोस्तों, अपनी कुछ समस्याएं हैं जो काफी देर से आप इसको लेकर परेशान चल रहे हैं, काफी समय हो चुका है आप डिप्रेशन में हो, समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्तों अपनी समस्या का हल कैसे किया जाए, तो दोस्तों इंसान के दोस्तों जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं। समस्याएं हर किसी का हल कर पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो बड़ी समस्याएं होती हैं उसमें लोग ज्यादा ही भयभीत होने शुरू हो जाते हैं, उनका काम नहीं बनता, काम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आज प्रैक्टिकल टोटका करके दिखाएंगे आपको जिससे आप सफलता पा सकते हैं अपनी जिंदगी में। जैसे कि दोस्तों मैं कुछ समस्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप दूर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो सबसे नंबर वन पर जो आती है वो ये है कि दोस्तों हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम जो काफी हद तक एक हर घर का किस्सा बन चुकी है। ऐसे में अगर अपनी जिंदगी में अगर सफलता पानी है, अगर अपनी जिंदगी में किसी चीज में सफलता पानी है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी। अगर दोस्तों जैसे पति पत्नी में बहुत सी अनबन हो जाती है, उस अनबन को दूर करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोशिश करने पर दोस्तों कुछ भी फायदा नहीं होता, तो ऐसे में क्या तरीका अपनाया जा सकता है? लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में उनके पति पत्नी में हमेशा प्यार बढ़े, कोई अनबन ना आए, तो ऐसे में टोटका जरूर कीजिएगा। मोबाइल की फोटो से वशीकरण, फोटो से वशीकरण का तरीका है। साथ में जो दूसरा हम प्रॉब्लम आपको बताते हैं तो वो ये है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में काफी हमारे पास कमेंट आए थे कि जो बहुत से अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना चाहते थे, बहुत सी लड़कियां जो अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना चाहते थे, उनसे कुछ बात मनवाना चाहते थे, तो उन सबके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी और इसकी मदद से आपका काम भी बन सकता है। तो दो नंबर तीन पर आती है जो समस्या काफी हद तक वो लोग परेशान रहते हैं वो अपने दुश्मन से, अगर दुश्मन को वश में करना है तो दोस्तों ये मोबाइल की फोटो से या सिर्फ किसी भी तस्वीर से आप वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों फोटो से वशीकरण आपको एक तरीका है जिससे आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के सामने होने की एक तो जरूरत नहीं होती आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। दूसरा है घर बैठे आप कर सकते हैं। नंबर तीन पर आता है कि इसमें एक मंत्र होता है, इसका अगर सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप सफलता पा सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों ये टोटका है, आप करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं प्रैक्टिकल तौर पर आपको बता रहा हूँ, आप तस्वीर बनाऊंगा। अगर आपके पास फोटो है तो दोस्तों शनिवार के दिन अपने किसी एकांत कमरे में बैठना है, वहां बैठकर आपने सफेद रंग का आसन पत्र लगा कर उस पर ही बैठना है और भैरवी चक्र बनाना है अपने, और साथ में कागज छीन लेना होगा, उस पर नाम लिखना है अपने प्यार का, जो भी आपका प्यार है, दुश्मन है या फिर कोई और है जिसे आप उसमें करना चाहते हैं, उनका नाम लिखना जरूरी होता है। तो अब मैं तस्वीर बना लेता हूँ दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए। जैसे आपके पास कोई तस्वीर है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक तस्वीर बना रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए ये तस्वीर बनाने में लग रहा हूं दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि आपके पास कोई फोटो है, अब उसको आप वश में करना चाहते हैं, वो कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब इस प्रकार से आपने एक फोटो तैयार कर ली है, तो अपने इस प्रकार से एक फोटो तैयार करिए, उस पर मैं नाम लिख दूंगा, जो भी नाम है वो 11 बार आपने लिखना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोमल। साथ में एक मंत्र जो आप जाप करना, तो ओम ह्रीम क्लीम वश्म कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप कीजिए इस पे। अब अपने जो लोंग है वो अपने फोटो पे रखनी होती है, अगर आपके पास कोई फोटो है मोबाइल में फोटो है, वो ऐसे सामने रखनी होती है, तो उसके ऊपर आपने लोंग रखकर मंत्र बोलना है 551 बार 3 दिन इस विधि को कीजिए। 3 दिन के पश्चात आप दोस्तों क्या करेंगे, इस जो भी आपने सामान लिया जैसे कि आपके पास कोई फोटो तस्वीर है उसे ऐसे इसमें रख के आपने फोल्ड करना, अगर मोबाइल में है तो आपने इसको प्रिंटर निकलवा के आना दोस्तों, अब उसको ऐसे फोल्ड करना है इसमें लॉन्ग रख के।
अब इसे इस प्रकार से आपने फोल्ड कर लेना है और अब आपने इसे किसी चलते पानी में जाकर बहाना है फोटो सहित। तो मोबाइल में फोटो है तो प्रिंट निकलवा के इसमें रख लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि दोस्तों आपकी जिंदगी में जो समस्या थी जिससे रिलेटेड आप इससे प्यार के इजहार करना चाहते थे, अपने कहो में पाना चाहते थे किसी स्त्री पुरुष को, तो वो आपका काम बन जाएगा और आप खुद पाएंगे कि आपको रिजल्ट में 100% सफलता मिली है। तो दोस्तों अगर आपका काम बन रहा था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि वो लोग भी इसे पोर्ट के वो कर सके ताकि सबको सफलता मिले। एक बार जरूर अजमाकर देखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद करते हैं दोस्तों। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टोटका अपनाकर देखिएगा अपनी जिंदगी में, आप भी खुद कहेंगे कि अवश्यकरण हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जल्द नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।